हेलो फ्रेंड्स, प्रियाज मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आम का सीजन चल रहा है तो तरह तरह की डिशेस लोग बनाते हैं, तो उसी सीरीज में मैं आपको आज आम का कस्टर्ड बनाना बताऊंगी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनता है। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने ये बहुत ही मीठे दशहरी आम लिए हैं। आप कोई सा भी आम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आधा किलो दूध लिया है, मलाई ली है, जितनी हमको जरूरत होगी उतनी हम मलाई डालेंगे। ये 2 चम्मच दूध है, इसमें हमको कस्टर्ड पाउडर मिलाना है, ठंडा दूध है ये, टूटी फूटी है ये, इलायची, बादाम और किशमिश। इसके अलावा कस्टर्ड पाउडर लिया मैंने 2 चम्मच और चीनी लिए स्वाद अनुसार। आप चाहें तो चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आम को छील के कुछ आम को हम बारीक कट कर लेंगे और कुछ आम को हम पल्प निकाल के उसकी प्यूरी बना लेंगे। मैंगो को हमने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है और कुछ पल्प इसमें काट के डाल दिया है। इसको हम मिक्सर में घुमा देते हैं, बारीक इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैंगो पल्प पे हम ढक्कन लगा के फ्रिज में ठंडा होने रख देते हैं इसको। जब तक पल्प हमारा ठंडा होते तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू करें। हमने भगोने को रख दिया है, अब हम इसके अंदर दूध डाल देते हैं, फिर हम गैस को ऑन करते हैं। दूध को इस तरीके से हिलाते हुए हम थोड़ा गर्म करेंगे। लेना है ना ही पानी लेना है, ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को मिला लेते हैं। धीरे धीरे मिलाएंगे जिससे अंदर इसके जितने भी लम्स है ना वो खत्म हो जाए। मैंने इसमें 1 चम्मच डाला, आधा चम्मच और इसमें डालेंगे। मैं इस तरीके से पेस्ट बना लेते हैं, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए लम्स भी बिल्कुल हो गया है ये। जब हम डालेंगे तो इसको एक बार अच्छे से हिलाकर फिर दूध के अंदर डालेंगे। एक पीप में हमने जो शुगर ली थी 4 से 5 चम्मच वो इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे अच्छे से मिल जाएगी। दूध में हमारी उबाल आ चुका है तो मैं 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर भर के मलाई का डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा ये हमारा कस्टर्ड। अब हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं, खूब अच्छे से हिला लेते हैं, मलाईदार हो जाएगा फिर ये। इसको उबलने देते हैं। इस बीच में हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। दूध हमारा पक चुका है। इस समय पे हमने जो कस्टर्ड को दूध में घोल के बनाया था एक घोल, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसको हिला देंगे थोड़ा सा और थोड़ी देर में फिर थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे हम इसको और इसको धीरे धीरे करके अच्छे से मिलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो जाएगा। कस्टर्ड हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, देखिएगा बहुत ही स्मूथ बना है, एक भी लम्स नहीं है इसके अंदर। चीनी अपने स्वाद अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ चीनी कम खाते हैं तो मैंने इसमें चीनी बहुत लेस्ट डाली है। ये देखिए कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमको नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने पे कस्टर्ड हमेशा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने रख देते हैं। फ्रिज से कस्टर्ड मैं निकाल रही हूँ, ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। इस पर अगर हल्की सी मलाई आ जाती है तो आप इस तरह से इसको चला लीजिए और इसके अंदर जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर डाल देते हैं और उसको खूब अच्छे से हम इसके अंदर हिला लेते हैं। उसकी मदद से बिल्कुल ये बराबर एक जैसा हो जाएगा जब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है, बिल्कुल केसरिया कलर आ गया। बहुत ही यम्मी बनता है ये मैंगो कस्टर्ड। अब इस मैंगो कस्टर्ड के अंदर ये हमने जो आम बुक बारीक बारीक काट के रखा था ये डालेंगे, थोड़ा सा टूटी फूटी वो डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश है इसको डाल के हम इसको डेकोरेट करते हैं।
थोड़े से हम डेकोरेशन के लिए बचा के रख लेंगे। थोड़ी सी किशमिश डालें, अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। इसके बाद हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये आम को मैंने इस तरीके से इस पर लगा दिया है कस्टर्ड डाल के। अब इस पर थोड़ी सी टूटी फूटी और थोड़े से बादाम जो हमने बारीक काट के रखे हैं वो लगा देते हैं। ये देखिए हमने बादाम से और टूटी फूटी से की गार्निशिंग कर दी है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है और वास्तव में बहुत अच्छा बनना है ये। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से हमने मैंगो कस्टर्ड बना लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।